आज दिवाली के मौके पर हम सभी के घरों में पटाखे तो फूटेंगे ही, लेकिन इससे भी बड़ा पटाखा फूटा है BTS आर्मीज के सर पर, क्योंकि फिर से ट्रेनिंग को लेकर एक नई डेटिंग रूमर स्टार्ट हो गई है और बहुत सारी BTS आर्मीज और ब्लिंक्स का कहना है कि उनको कुछ सबूत मिले हैं जिससे प्रूव हो जाएगा कि ट्रेनी जो है वो रियल है, यानी वी और जेनी एक कपल हैं, वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन फिर से ट्रेनी के प्रूफ को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अब तो हमने इतनी बार ट्रेनी के डेटिंग प्रूफ देख लिए हैं कि अगर वी और जेनी ना भी माने तो भी हम मान सकते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से कुछ शिपर्स बेतुके से प्रूफ लेकर आए हैं और उनका कहना है कि वी और जेनी इन प्रूफ के बेसिस पर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसी तरीके के कुछ प्रूफ्स हैं उनकी एक्सेसरीज जो कि वो अपने गले या फिर अपने हाथों में पहनते हैं। तो काफी बार वी और जेनी को मैचिंग कपल एक्सेसरीज पहने देखा गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के नेकलेस जो कि उनके काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं उनको पहने वी और जेनी को देखा गया, वो भी एक दूसरे के आसपास यानी कुछ कुछ दिनों के ही दौरान पे देखा गया। तो बहुत सारी आर्मीज और ब्लिंक्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि वो एक कपल हैं। इसके सिवा एक बहुत ही खास नेकलेस वी और जेनी ने पहना था जहाँ पर गोल्डन चेन थी बट छोटा सा रेड कलर का फ्लावर था, और ये नेकलेस स्पेशली कपल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। दोनों के गले में इस नेकलेस को देखने के बाद हर जगह काफी ज्यादा रूमर फैल गई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि काफी बार दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत सिमिलर होता है, जैसे कि एक बार आर्मीज ने नोटिस किया था कि वी और जेनी ने एग्जैक्टली सेम टाइप की जीन्स पहनी थी, उसमें अपने गॉगल्स भी सेम टाइप से ही लगाए थे। तो उन्हें लगता है कि इस वजह से वी और जेनी डेट कर रहे हैं। और काफी बार वी और जेनी के कपड़े, उनकी कैप या फिर उनके स्पेक्स यानी उनके चश्मे तक को लेकर BTS की आर्मीज और ब्लिंक्स उन्हें डेट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनका कहना है कि अगर चश्मे का ब्रांड सेम है तो वी और जेनी डेट कर रहे हैं। मतलब अगर ये बात रियल होने लगी तो पता नहीं दुनिया में कितने लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके चश्मे का ब्रांड या फिर उनकी जीन्स का ब्रांड, उनके कपड़े, उनके फैशन सेंस काफी कुछ सेम हो जाएगा। लेकिन इन शिपर्स को कोई कैसे समझा सकता है, हर बार की कोई ना कोई नई नौटंकी है और इस बार फिर से एक नई ही कहानी ट्रेनी को लेकर स्टार्ट हो गई है। और मुझे लगता है कि वी और जेनी तो इतना बोर हो चुके होंगे इससे कि अब वो सोच रहे होंगे कुछ नया आना चाहिए, लेकिन बार बार यही रूमर्स आती हैं। तो आप मुझे बताओ कि दिवाली पर वी और जेनी के नाम का ये धमाका आपको कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।